मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है, लेकिन इस बार उन्होंने बात की है अडानी की और कहा है कि अडानी की वजह से रामराज की स्थापना नहीं होगी, बल्कि रामराज की स्थापना तब होगी जब गरीबों का कल्याण होगा। राम के साथ कोई बड़े आदमी नहीं रहे, राम के साथ छोटे मोटे गांव के गरीब आदमी, बनवासी, जंगल वाले, भील, आदिवासी, केवट, गरीब आदमी यही रहे ना। जब उनका कल्याण हुई तब रामराज की स्थापना हुई। रामराज की स्थापना अडानी ने करी, रामराज की स्थापना जब गरीब का कल्याण हो जाए तब रामराज स्थापित हो जाए। लड़का बच्चन का पढ़ा लिखा दो जाए गरीबर के, अपने आप रामराज्य की स्थापना हो जाए। ये 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चाहूं, मोर गरीबी रेखा का कार्ड, इतने में देश प्रदेश में चले, ऐसे हम बागी हो गए, ऐसे बगावत वाला हो गया कि ये बात जब मौका आओ तो बोलने लगे तो कहीं नारायण त्रिपाठी बागी है, बगावत वाला। नारायण त्रिपाठी ने इसके साथ ये भी कहा कि जब वो विंध्य राज्य की बात करते हैं तो उन्हें बाघी बता दिया जाता है। नारायण त्रिपाठी यहाँ पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लेने पहुँचे थे। दरअसल यहाँ पर बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होनी थी, लेकिन कथा की तारीख को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से नारायण त्रिपाठी ने हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया था। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने पिछले दिनों नई विंध्य जनता पार्टी बनाने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने विंध्य राज्य की मांग को लेकर चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।